ऋषि, तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? अभी ऑफिस जाना ठीक नहीं है। यू राइट आंटी, ऑफिस में इतने सारे लोग होंगे एंड गॉड नोस क्या क्या कमेंट करेंगे। आई डोंट थिंक यू शुड गो ऋषि। एब्सोल्युटली। तुम उनसे डर के नहीं जा रहे? लोग? कौन से लोग? जो लोग मेरे बारे में कुछ जानते तक नहीं है उनसे डर के मैं घर पे बैठा रहा हूँ? अगर तुम यहाँ रुक जाओगे तो लोगों को ना और बातें मिल जाएंगी करने के लिए। उनके शक को और स्ट्रॉन्ग कर दूं ऐसे छुप कर? नहीं मलिष्का, और वो लोग लगते क्या है मेरे? कुछ भी नहीं। वो लोग मेरे बारे में बात करेंगे, मेरे ऊपर कमेंट्स करेंगे, मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें किसी की परवाह करनी है ना तो उनकी करो जो तुम्हारे अपने, एक छत के नीचे इस घर में। मुझे अगर फर्क पड़ता है तो आप लोगों से, जो मेरे साथ एक ही घर में रहता है, एक ही छत के नीचे, उन लोगों से फर्क पड़ता है मुझे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मुझ पे पूरा भरोसा है। बस यही मेरे लिए इनफ है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। बहुत मुश्किल है लेकिन हम उनका सामना करेंगे ना। आई नो हमारी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त से हमें घबराना नहीं है, हमें इसका सामना करना चाहिए। डर के नहीं भागेंगे इस चीज से। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और सच कभी मरता नहीं। आज नहीं तो कल सबके सामने सच आ ही जाएगा। झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, और सच कभी मरता नहीं है, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है, है ना दादी? हाँ पुत्र। So let's face it together. It's okay. सब ठीक हो जाएगा। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। But Rishi, I still feel it's a bad decision. Trust me, Manishka. और आज हमारे foreign investors भी आ रहे मीटिंग के लिए। Rishi भाई, वो मीटिंग मैंने कैंसिल कर दिया यार। It's okay, Ayush. हम लोग वापस बोल देंगे उन्हें। And I'm sure वो लोग मीटिंग के लिए मना नहीं करेंगे। अगर आज मीटिंग नहीं हुई ना तो 5 महीने के बाद होगी, और इतना डिले अच्छा नहीं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, बहुत लॉसेस हो जाएगी हमारी कंपनी को। आई नो डैड, सही किया ना मैंने? मैं जा सकता हूँ? हाँ बेटा तू जा। पर ऋषि तू जा, पर इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, समझा? मॉम, इतना भी कमजोर नहीं है आपका बेटा, बहुत स्ट्रांग बनाया आपने अपने बेटे को। It's all gonna be fine. Take care. Yes. चला आयुष, चलो। ये ऋषि पर ठीक ही है, he's looking better. हाँ, वो पापा का फोन आया था ऋषि के बारे में पूछ रहे थे, आई थिंक मुझे उन्हें कॉल कर लेना चाहिए। I'll just come. लक्ष्मी? जी बाबूजी। ये तुमने किया? क्या? ऋषि को ऑफिस तूने भेजा? क्योंकि घर में तो सब कह रहे थे कि तुम चुप कर रहना, बाहर मत जाना, वो मान भी गया था, पर अचानक सब कुछ बदल गया। कैसे? पर अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुश्किलों से तो लड़ना चाहिए, वरना मुश्किल जीत जाएगी। पर सबसे अच्छा ये लगा कि तुम उसकी हिम्मत और ताकत बनी हो। यार तू तो बड़ी स्मार्ट पुत्र निकली, सबसे बड़ा जादू कैसे कर दिया तूने? कौन सा जादू? ये बिना स्लीपिंग पिल्स के कैसे सुला दिया उसे? वो मैं आपको नहीं बता सकती बाबूजी, वो हम हस्बैंड वाइफ के बीच की। ओ,
ओके ऋषि सर आएगा, बार बार स्टेटमेंट आ रहा है कि आपने उसको मोलेस्ट किया है। इतना घिनौना अपराध करने के बाद भी आपको बेल मिल चुका है, अभी आप क्या करोगे? बोलिए, जवाब दीजिए। आप एक क्रिमिनल हो, बोलिए सर, जवाब दीजिए। कुछ तो बोलिए ऋषि, आप खामोश क्यों हैं? ऋषि कुछ बोलिए, ऋषि बोलिए, आप बोलिए। वो अपनी जिंदगी में किसी मर्द से भरोसा कर पाएगी तुम्हारा? और अब तो अपनी पत्नी की नजरें भी झुका दी, भरोसा तोड़ा उनका, क्या वो अब आपको छोड़ देंगी? आप खामोश क्यों हैं? आपकी खामोशी ही आपकी हाँ है ना? रुकिए, शायद कोई आया है, वेट, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके बोलिए, किससे मिलना है? तुमसे। क्यों, हो कौन तुम? लक्ष्मी हूँ, ऋषि ओबेरॉय की पत्नी। मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें? तुम समझ ही गई होगी क्या बात करनी है मुझे। नहीं, तुम बताओ क्यों आई हो? पूछने आई हूँ कि मेरे पति पर इतना झूठा इल्जाम क्यों लगाया तुमने? तुम मुझे झूठा बुला रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक मिनट, जिस इंसान की तुम बात कर रही हो ना, वो मेरे पति हैं। अच्छे से जानती हूँ मैं उन्हें, बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान है वो। तुम्हें ऐसा जवाब देती, अगर ऋषि के ऑफिस का CCTV चालू होता तब तुम्हारे पति की सारी सच्चाई रिकॉर्ड होती उसमें, और तुम खुद अपनी आंखों से अपने पति की सच्चाई देखने के लिए मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं। तुम क्या, पूरी दुनिया भी आके मुझसे कहेगी ना कि ऋषि गलत है, तब भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कर रही हो, कितना गलत कर रही हो उन लड़कियों के साथ जिनके साथ सच में ऐसा कुछ हुआ होगा? तुम्हारी वजह से कोई उन पर भी विश्वास नहीं करेगा, सबको लगेगा कि वो भी झूठ बोल रही है। एक औरत होके तुम एक औरत की ही दुश्मन बन रही हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम ये जो करने की कोशिश कर रही हो ना ऋषि के साथ, उसका नाम, उसकी इज्जत जो मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही हो, वो कभी हो नहीं पाएगा। सच बोल दो प्लीज। रुको, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए तैयार हूँ, पर ऋषि की तरफ से मेरे ऊपर मानहानि का दावा नहीं होना चाहिए। और एक बात, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, वरना वो मुझे ही अरेस्ट कर लेंगे। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, तुम कंप्लेंट वापस लेने के पेपर्स बनवा लो, और हाँ, फेक में लीगल, जिसमें ये लिखा होगा कि मेरा ऋषि के साथ इंटरव्यू बहुत खराब हो गया था और गुस्से में आकर अपसेट होकर मैंने ये सब झूठ बोला और ये सब तमाशा किया। तुम्हें पता है, मेरे बाबूजी कहते थे कि सुबह का भूला कर शाम को घर वापस आ जाए ना तो वो भूला नहीं होता। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? बस समझ लो गलती खत्म। मैं फटाफट जाके पेपर्स बनवा कर लाती हूँ। हाँ शनाया, थैंक यू। ऋषि, अब एक्सक्यूज मी, या ऋषि कहाँ है? मैम वो कॉन्फ्रेंस रूम में है। आप उन्हें बुला देंगी प्लीज? 2 मिनट का काम है। मैं ट्राई करती हूँ। आयुष, मैम वो कॉल आंसर नहीं कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, वो आयुष आ गया है ना, मैं उनसे बात कर लूंगी। आयुष, दे आर जस्ट गेट इट डन। ओके लक्ष्मी, आ भी गई तू, मिली उससे? हाँ। क्या बात हुई? मिल भी ली और बात भी हो गई। मैंने उसे समझाया और वो समझ गई है, वो खराब लड़की नहीं है। उसने मुझे कहा है कि मैं वो लीगल पेपर्स ले आऊँ, उस पर साइन कर देगी और अपनी कंप्लेंट भी वापस ले लेगी। लक्ष्मी, नाइस, बहुत, दिस इज ऑसम, दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस। एक दिन में कितना कमाल करोगी? MM हो क्या? MM मिरेकल मशीन तुम हो,
एनीवे 5 मिनट दो मुझे, मैं ऐसे गया लीगल डिपार्टमेंट में और ऐसे पेपर बना के वापस आया। ओके 5 मिनट दो, जस्ट वेट हियर। एक्चुअली तुम यहाँ के वेट करोगे, कम कम विद मी, मेरे केबिन में आओ। अच्छा कम कम कम। शनाया मैं ये पेपर्स ले आई हूँ, तुम बस एक बार पढ़ लो और साइन कर दो। ये बैठो यहाँ, मैंने ना इस पे सब कुछ लिखवा दिया है कि ये कि तुमने झूठ कहा था और ऋषि और तुम्हारे बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुमने वो सब गुस्से में कहा था, सब कुछ लिखवा दिया, बस तुम एक बार पढ़ लो और साइन कर दो। थोड़ा तो बुरा लगा होगा ना तुम्हें? थोड़ा थोड़ा नहीं शनाया, मुझे बहुत बुरा लगा था। तुम साइन कर दो ना प्लीज। हाँ मैं समझती हूँ, पर जब उसने तुमसे कहा होगा मेरे पास आने के लिए और मुझे पैसे देने के लिए, और अगर मैं फिर भी ना मानूं तो मुझे धमकी देने के लिए, पर कैसे भी इन पेपर्स पर साइन करवाने के लिए। तो एक औरत होने के नाते बुरा तो तुम्हें बहुत लगा होगा ना, उसने इतना गलत किया मेरे साथ, पर फिर भी अब तुमसे धमकी दिलवा रहा है केस वापस लेने की और मुझसे इन पेपर्स पर साइन करवा रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? सना क्या ये सच है आपको ऋषि ने भेजा है? आपके पति ने इतना गलत किया और आप उसमें साथ दे रही है? अभी तक तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि सच्चाई सामने आ जाएगी, आप आपके पति के साथ हैं। ये सच्चाई की बात कर रही थी और ऐसे आप अपने पति के साथ हैं? बोलो बोलो जवाब दीजिए, बोलो बोलो मैम, जवाब दीजिए मैम, बोलिए। क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गई हो? समझ में नहीं आती कोई बात? सॉरी मुझे नहीं पता था। उसने मुझे कहा था कि वो केस वापस ले लेगी, उसने मुझे कहा कि वो मैं पेपर्स लेके आऊं वो साइन कर देगी, उसने कहा था, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे पलट जाएगी। तुम्हारे बारे में भी कितना गलत कहा उसने, सब मेरी वजह से। उसने कहा कि तुमने मुझे भेजा है उसके पास पेपर, कि मैं उसे कुछ बोलती हूँ उससे पहले बाबूजी का फोन आ गया और वो मुझे बार बार कहने लग गए कि घर आ जाओ घर। मैं उसे बोल भी नहीं पाई कि तुमने नहीं भेजा है, मैं पेपर्स भी वही जोड़ के आ गई। सॉरी मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। इट्स ओके प्लीज, तुम रो मत, इट्स ओके सर, ठीक हो जाएगा, प्लीज तुम ऐसे रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस पर और मैं बोल रहा हूँ कि रोना मत प्लीज, मेरा दिमाग खराब है क्या? सब गुस्सा होंगे मुझसे, तुम भी गुस्सा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। It's okay. जाने दो। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे बाबूजी का मैसेज बुला रहे को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे के पैर जमीनों को, हंसना या रोना हो मुझे पागल, सा ढूंढूं मैं तुम्हें कल मुझसे मुहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो। क्या किया मैंने? ये बहुत अपसेट हूं इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इसकी आंसुओं से। तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। विजय जी मैम। कौन आया था? लॉन्ड्री वाला मैम।
लक्ष्मी, सिर्फ एक चीज कही थी तुमसे, कुछ भी करने से पहले एक बार हमसे पूछ लेना। कहा था या नहीं? कहा था लेकिन तुमने पूछा? मम्मी जी, मैंने सोचा। अगर तुमने सोचा होता तो तुमने ये सब किया ही नहीं होता। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से हम सब कितनी मुश्किल में पड़ गए हैं? ऋषि को क्या होगा, सोचा है तुमने? रो रही है, रोने से क्या होगा? ऋषि आगे, क्या तुम्हें पता था क्या हरकत की है इसने? बताया तुम्हें? Did she tell you what she was up to? Of course, ऋषि को नहीं पता होगा, और अगर पता होता तो ये सब होता ही नहीं। मलिष्का, जो होना था वो हो गया, अब इसके आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए ना। ये न्यूज देखी आप लोगों ने? बाबूजी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं तो वहां उसे समझाने के लिए गई थी। उस लड़की ने मुझसे कहा कि ऋषि ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने माना कि वो झूठ बोल रही है। उसने मुझसे खुद कहा वो पेपर्स लाने के लिए कि वो उस पे साइन कर देगी। मुझे नहीं पता था कि उसने मीडिया को बुला के रखा है। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें पता भी कैसे चलेगा। लक्ष्मी, तुम इतनी स्मार्ट हुई नहीं कि ऐसी शहर की लड़कियों को हैंडल कर सको। पता है ना कौन सी सिटी में हो तुम? क्या तुम्हें आइडिया भी है यहाँ क्या होता है, किस तरह होता है? अगर नहीं है तो क्या जरूरत थी इतना बड़ा फिल्मी स्टंट करने की? भाई लसन, देखो ये ना सिर्फ टीवी सीरियल्स में होता है कि कोई गांव की लड़की अपने पति को ऐसे एलिगेशन से बचा लेती है, लेकिन लसन ये टीवी सीरियल नहीं है, ये रियल लाइफ है। एंड प्लीज, ये जो भी तुम टीवी सीरियल्स या जो कुछ भी ये तुम देखती हो ना, इसे देखना बंद करो, ऑल राइट? और घर से जाने से पहले पूछ लो, कुछ करने से पहले पूछ लो, कम से कम भाभी की बात तो मान लो तुम। मानती हूँ उनकी बात, सच्ची बुआ जी। मैं तो ऑफिस भी बाबू जी के कहने पे गई थी, आपने ही बोला था ना मुझे जाने की। हाँ, मैंने ही कहा था। और उस लड़की के पास जाने के लिए भी बाबू जी ने कहा था? नहीं ना, फिर भी गई ना तुम उस लड़की के पास। एक तो गलती की है, ऊपर से जबान चला रही हो तुम। डैम इट, एंड आई एम सॉरी टू से लक्ष्मी, ये कोई किचन में डिश बनाने वाली बात नहीं है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसको हमें बहुत ही सेंसिबली हैंडल करना है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस समय सिर्फ और सिर्फ ऋषि पे है। ढाल बन के खड़े है मेरे भाई के साथ और फंस गई बेचारी, लेकिन मगरमच्छ के मुंह में और आज इस सिचुएशन में, यू नो व्हाई? बिकॉज़ वो ऋषि भाई का पेन फील कर पा रही है। डैम इट, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत कौन बना? लक्ष्मी ने, पूरी मीडिया के सामने कौन खड़ा हुआ था? मॉम लक्ष्मी। पर इतना जरूर पता है कि लक्ष्मी ने प्रूफ कर दिया कि वाइफ हो मेरे भाई की। क्या बात है लक्ष्मी, क्या हुआ? बताओ मुझे, बात क्या है? कुछ नहीं, वो सरदर्द की दवाई ढूंढ रही थी। वो नहीं पूछ रहा हूं लक्ष्मी, मेरा पूरा परिवार तुमसे सवाल पूछ रहा था, मुझे कुछ भी पूछने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए आप पूछ रहा हूं। बताओ मुझे बात क्या, क्या हुआ तुम्हें? लक्ष्मी, तुम्हें उस लड़की के घर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। रोक ही नहीं पाई खुद को, तुम इतने परेशान थे तो इतना बड़ा इल्जाम लगाया उसने तुम पर, सच तो सामने लाना था। गलती हो गई मुझसे, मेरी वजह से सब कुछ उल्टा हो गया, तुम्हारा नाम और खराब हो गया। नाम तो खराब हो रहा है मेरा। हाँ, लोग डायरेक्टली नहीं कह रहे, लेकिन इनडायरेक्टली सब यही कह रहे हैं कि तुम बहुत अनलकी हो, भाग्य अच्छा नहीं है तुम्हारा। और भाग्य अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें मिला,
और मेरा भाग्य अच्छा है क्योंकि तुम मुझे मिले। और तुम क्या कहती थी मुझसे? यही कहती थी ना कि तुम कितनी लकी हो कि मेरे जैसा लड़का तुम्हें मिला। अब उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। लोग पता है क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि मैं कितना लकी हूं कि मेरी शादी तुमसे हुई है। और लोग तो बोलेंगे ही ना, जिस तरह से विश्वास करती हो तुम मुझ पे, पूरी दुनिया से लड़ जाती हो मेरे लिए, सबसे लड़ जाती हो। मेरा भाग्य तो अच्छा हो ही गया ना, अब समझी कैसे नाम खराब हो रहा है मेरा। पहले मैं तुम्हारे लिए प्रेशियस था, अब तुम मेरे लिए प्रेशियस हो। ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ भी एवे? अरे एवे नहीं, सीरियसली मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जब तक बात लाइफ एंड डेथ की ना हो, थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और। अरे 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 रुको, तुम तो कमाल कर रही हो, मैंने कितना अच्छा अच्छा बोला तुम्हारे लिए और तुम अभी भी रो रही हो, क्या हुआ? बाबूजी भी ऐसे बोलते थे। क्या कहते थे तुम्हारे बाबूजी? ये कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता जब तक बात जिंदगी या मौत की ना। तुम बहुत मिस करती हो अपने बाबूजी को? बहुत, आज तो और भी ज्यादा। तुझको बना दू मैं अपना खुदा, सजदे तेरे कर सकूं, मांगू दुआ साथ होने की तेरे कांधे पे सर रख सकूं, धागा एक बांधू तुझको मन्नत बना लो, कागज पे दिल के तेरी सूरत बना लो, छूटे कभी ना वो आदत बना लो, आशिकत बना लो तुझे, किस्मत बना लो मेरी चाहत बना लो, तुझसे मैं मांगू इबादत बना लो, छूटे कभी ना वो आदत बना लो, आशिकत बना लो तुझे। Yes, auntie. Malish, I've got bad news. Rishi को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। What? लेकिन क्यों और अब क्या हो गया? अब हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, हमें नहीं जाना चाहिए था उस लड़की के घर पर। पर क्या करते हैं हम? हमें बहुत फिक्र हो रही थी, इतनी चिंता हो रही थी, हमने जो किया ना ऋषि के लिए किया, और अब ऋषि। पापा पापा प्लीज कुछ कीजिए, उसे बाहर निकलवाइए, उसे उसे घर लाइए वापस, प्लीज पापा। चालाक है वो लड़की, अगर बातों से मानने वाली होती ना तो हमारी लक्ष्मी के आगे 2 मिनट नहीं टिकती। वो सब हम नहीं जानते पापा, हमें हमारा बेटा घर पर वापस चाहिए बस, उसके अलावा ना ही तो कुछ सुनना है और ना ही कुछ जानना है। काम डाउन नीलम, काम डाउन। मैंने वीरेंद्र से बात कर ली है, वो सब कर रहा है रोहित के लिए, तुम बस वीरेंद्र पर भरोसा रखो। और तुम तो जानती हो कि अगर मैं इंडिया में होता तो इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा होता। अब जहाँ पर भी है प्लीज लौट आइए ना। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, पर एक बात याद रखना, मेरे वहाँ होते हुए भी वीरेंद्र ही सब कुछ करेगा, इसलिए तुम वीरेंद्र पर भरोसा रखो। समझ गई? गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। वीरेंद्र कर लेंगे, कैसे समझाए वो नहीं कर पाएंगे, तुम ही नहीं कुछ कर पा रहे तो वो कहाँ से कर लेंगे। नीलम आंटी,
दैट मींस नीलम आंटी की वजह से ऋषि अरेस्ट हुआ है. उसे जाना ही नहीं चाहिए था शनाया के पास. लिसन, पर इन दिस केस अब हम क्या करें? आई डोंट नो. मैं सोचती हूँ कुछ, लेकिन उससे पहले मैं ऋषि से मिलने जा रही हूँ. ओके बाय. ड्राइवर, गाड़ी पुलिस स्टेशन लीजिए प्लीज. लक्ष्मी, तुम क्यों आई हो यहाँ पे? मैं तो यही हूँ ना, दिल से तुम्हारे पास. पूना, मुझे कुछ बताना था तुम्हें सुबह से, पर मौका ही नहीं मिल रहा था. कोई ना कोई आ ही जा रहा था. फिर मुझे ये भी लगा कि कहीं बहुत ज्यादा बचपना वाली चीज तो नहीं सोच रही हूँ ना मैं. लेकिन फिर रुकते भी नहीं बना, तो मैंने सोचा कि मैं बता ही देती हूँ. तो बताओ मुझे, क्या बात है? मैंने एक सपना देखा. सपने में मैंने देखा कि तुम पर से ये सारा इल्जाम हट गया, कि जो कुछ भी गलत हुआ है ना, सब कुछ ठीक हो गया और तुम पहले जैसे हो गए, एकदम खुश. तुम ये बताने के लिए आई हो यहाँ पे? हाँ, और ये भी कि मैंने ये सपना सुबह देखा था. तो मेरे सुबह के सपने ना हमेशा सच होते हैं. ये बताना था? नहीं, और भी है. तुम प्लीज उदास मत होना, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा. भले अभी सब कुछ गलत हो रहा है, भले ही हम जो सोच रहे हैं शायद उसका उल्टा हो रहा है, लेकिन तुम प्लीज भरोसा रखना, तुम भरोसा रखना कि सब कुछ ठीक होने वाला है. बस इस उम्मीद पर से विश्वास मत उठने देना. सपना, उससे उम्मीद, उस पर विश्वास, इतने अच्छे से उम्मीद पर विश्वास करने को किसी ने नहीं कहा आज तक. सपनों पर भी और अपनों पर भी. तुम्हें पता है बाबूजी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा दिल कहता है. I'm sorry, ऋषि भाई, पेपर वर्क में थोड़ा सा लेट हो गया. आप चिंता मत करना यार, प्लीज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. आप यहाँ से बहुत जल्दी बाहर निकलोगे, आई प्रॉमिस. आयुष, तुझसे प्रॉमिस करने के लिए किसने कहा है? यार ऋषि भाई, इट्स ओके, घर लेके जा लक्ष्मी को. चाहो तुम सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगी बस वही उम्र भर, रहूंगी बस वही उम्र भर है. What the hell? How can they treat you like this, huh? तुम्हें दोबारा ऐसे? I can't see you like this, Rishi. वो तो thanks to करिश्मा आंटी के, उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया, मैं यहाँ आ गई. Anushka, I'm really stressed. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं है मेरे हाथ में. I'm sorry, वो तुम्हारे बारे में सुन के मुझसे रुका नहीं गया, मैं यहाँ आ गई तुम्हें देखने. मैं चलती हूँ. मलिष्का, क्या छुपा रही हो? कई बार मुझे बातें थोड़ी देर से समझ आती हैं, पर मैं उन्हें समझ जरूर जाती हूँ. मैं जानती हूँ ऋषि तुम्हारे लिए क्या है. जानती हूँ उसकी क्या जगह है तुम्हारे दिल में. मैं उसी दिन समझ गई थी जब तुम शिमला के हॉस्पिटल में ऋषि से मिलने आई थी. ओ जी, आइए जी, आइए जी. सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल. माइसेल्फ मिस्टर बिंद्रा, बात हुई थी आपके साथ जी. आइए आइए, महारानी जी वेट कर रही है. आइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए.
देखिए देखिए मुझे रानी माँ जी, ये शनाया जी आई है। भेजिए। आई 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 बताइए बताइए कह जाइए शनाया जी। आपको कहीं देखा है मैंने, पर कब? परसों। परसों, कल, आज, आने वाला कल, एवरीडे, डेली डेली इनका तो न्यूज चैनल पे इंटरव्यू आता ही रहता है। आपने देखा होगा अभी न्यूज मैगजीन में आया है इनका इंटरव्यू फोटोग्राफ के साथ, परसों ही। नहीं नहीं, मैंने भी नहीं देखा। आपका भी ना कुछ जवाब नहीं रानी माँ, आपको कैसे याद रहेगा? आप तो इतना बिजी रहती है रानी माँ, आपको थोड़ा याद रहेगा। आप कितने इंटरव्यू देती रहती है, कहाँ याद रहेगा? रानी माँ लीजिए, रानी माँ पानी पीजिए, पानी पीजिए। ये अपने भाई से नहीं मिलवाया शनाया जी आपने? नो नो, भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? रोहन। गलती हो गई। आप प्लीज बताइए, जो आप कल फोन पे कह रहे थे क्या बताने वाले थे? अजी कुछ बताने नहीं वाले थे जी, दिखाने वाले हैं। ये देखिए, अरे बड़ा भारी है ये जी, कैश। कितना है ये? अजी आपके लिए तो बहुत है, आपके लिए पूरी लाइफ के लिए बहुत है जी, बहुत है। 20 करोड़। काफी नहीं है क्या? एक और बात, ये देखिए, ये देखिए बाजी, चेक दिस आउट, ये 3 फैक्ट्री के पेपर, ये आपके लिए, ये सब आपका हो सकता है अगर जी आप हमारा ऑफर मान ले तो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? लगता नहीं, हमें यकीन है कि आप हमारा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। वो क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऋषि ओबेरॉय और हमारे बिजनेस के बीच दुश्मनी है। ऋषि ओबेरॉय का बिजनेस डूबता है तो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होता है, हमारा बिजनेस और ऊपर बढ़ता है। और जब से आपने ऋषि ओबेरॉय के ऊपर ये मोलेस्टेशन का चार्ज किया, तब से हमारे बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हुआ है। और अब हम चाहते हैं कि ऋषि ओबेरॉय का बिजनेस पूरी तरह से खत्म कर दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको ऋषि ओबेरॉय को जे और जी जेल की चक्के पीसना चाहिए वो ऋषि ओबेरॉय, छोड़ना नहीं है उन्हें। वो जी शनाया जी जो आपने केस किया ना, पीछे नहीं हटना। वो जी मुझे आइडिया है, वो फैमिली प्रेशर कर रही है उसकी, मैं जानता हूँ। कल ही नीलम मैम, मैम नीलम मैम आई थी आपके पास ऑफर लेकर, और जी हम 10 गुना ऑफर लेकर आए हैं आपके पास, प्लस उसके ऊपर ये फैक्ट्री, 3-3 फैक्ट्री आपके नाम हो जाएंगी, जिंदगी भर का आराम, एटीएम बन जाएगा जी, फैक्ट्री का ऑफर एक्सेप्ट किया, दे कैश, एटीएम, जिंदगी भर का आराम, आराम से बैठोगे। बस एक शर्त है जी हमारी, छोटी सी, पीछे नहीं हटना, किसी भी बहकावे में आके, किसी भी तरह के प्रेशर में आके या लालच में आके केस वापिस नहीं लेना। अनिमा हमें बात करनी होगी। अनिमा इतना सब कुछ मिल रहा है फिर भी बात करनी है? मिस्टर बिंद्रा कैंसिल द डील। अनिमा माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, थर-थर कांप रहे हैं, थोड़ा डर गए हैं, थोड़ी मोहलत दे दीजिए इनको, थोड़ी सी, 5 मिनट। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। ओ पीछे एकांत में जाके गुफ्तगू कर लीजिए, व्हेन अ डील ऑफ। शाम में पता करके बताती हूँ। हाँ अभी, थैंक यू सो मच। क्या मलिश्का? हेलो आयुष, लिसन तुम्हें इमीडिएटली एक काम करना, जस्ट ओपन ऋषिज लैपटॉप, उसकी ईमेल्स चेक करो। अभी रिसेंटली उसको एक मेल आया होगा जिस एजेंसी ने शनाया को भेजा था वहाँ से, जस्ट क्विकली चेक एंड टेल मी, मुझे इमीडिएटली लॉयर को भेजना है। यार नॉट पॉसिबल मलिश्का, मैं ना घर पे हूँ ना मैं ऑफिस में हूँ। व्हाट,
तो हो कहाँ तुम? यार मैं यहाँ लक्ष्मी के साथ आया हूँ इस शनाया को ट्रैप करने। अगर आज इसका कन्फेशन मिल गया ना मनीष का। Are you mad? हेलो हेलो लक्ष्मी, लक्ष्मी गड़बड़ हो गई यार, पंगा हो गया। पर हुआ क्या मलिष्का? उसको सब बता दिया मैंने गलती से यार। बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम आयुष, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा कुछ ब्लंडर करने नहीं दूंगी। गड़बड़ होगी लक्ष्मी यार, मलिष्का को ना 100% लगेगा हम गलत कर रहे हैं। वो अपनी जगह सही है पर वो सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई, हम हमारे लॉयर से बात कर रहे थे। कोई गल नहीं जी, और वो चाहते कि आपके पेपर्स चेक कर सकते हैं हम एक बार फैक्ट्री के। कोई प्रॉब्लम है क्या? सिर्फ ऊपर का पेपर असली है, नीचे का सब गोलमाल है। बापा, इन बच्चों के साथ रहना। ऋषि को नहीं बचा पाया चलेगा, मैं कोर्ट में देख लूंगा, पर ये दोनों पस्ती नहीं चाहिए। डील कैंसिल। मिस्टर बिंद्रा पेपर्स लीजिए और बाहर निकालिए इन्हें। लेकिन हम पर कोई शक करे हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। थ्रो देम आउट। नहीं, ऋषि ओबेरॉय से केस लड़ना है ना इन्हें, लड़ने दीजिए। जिंदगी भर लड़ते रह जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। ऊपर से वो ऋषि ओबेरॉय इतना बड़ा नाम है, कैसे ना कैसे करके जीत ही जाएगा और फिर इन लोगों पर मानहानि का केस करेगा। करोड़ों भरेंगे ना जब ये, तब इनको समझ में आएगा। रानीमा रहने दीजिए ना, बच्चे हैं, इनकी तो अक्कल दाढ़ भी नहीं होगी अभी इनकी। शट अप बिंद्रा, 5 मिनट दिए थे ना हमने इन्हें, इनको समझ में नहीं आया। अब जब सड़क पे आएंगे ना तब इन्हें समझ में आएगा। जाइए। चलिए भाई, क्या कर सकते हैं, निकलिए। रानी माँ आप बुरा क्यों मान रही है? ओके, हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे, राइट? ठीक है। हाँ हाँ, आप जो कुछ भी कहेंगी हम करने को रेडी हैं, जो भी। बस क्या हम एक बार पैसे गिन सकते हैं प्लीज? क्या कहूँ मैं उसे, क्या कहूँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं हमारा, आखिर हो क्या रहा है वहां पर? हाँ नीलम। हाँ नीलम, क्या आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं हमारा? अच्छा अच्छा, बताइए क्या हो रहा है वहां पर? वो लक्ष्मी मिली आपको? कुछ बात हुई, रोका आपने उसे? नीलम मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत है, ट्रैफिक की आवाज है बहुत। हमें आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है, आप बताइए ना क्या हो रहा है वहां पर? मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। अरे पर निकल रहे हैं। 15 नहीं, अब 13 मिनट बाकी है। आने दो उन्हें, यही बात करते हैं उनसे। भाभी उनके यहाँ आने से, बात करने से कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट हम दोनों को वहां जाना चाहिए था उसकी बेवकूफी रोकने के लिए। आपको एक सजेशन दूं, आई थिंक आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए और वहां अनाउंस करवा देना चाहिए कि लक्ष्मी ने ये जो कुछ भी बेवकूफी की है ना उससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं, क्योंकि बाद में अगर हम कुछ भी बोलेंगे ना तो कोई हमें बिलीव ही नहीं करेगा। राइट राइट। तुम ऐसा करो, मीडिया को होटल में ही बुला लो। होटल? हाँ, होटल पैराडाइज शेरेटन, जहाँ लक्ष्मी गई और जहाँ अब हम भी जा रहे हैं। मीडिया वहाँ आ जाएगी तो लक्ष्मी को ये बात माननी पड़ेगी। ये सब कुछ जो उसने किया है उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। सही कहा था बिंद्रा तुमने, अक्कल दाढ़ भी नहीं होगी इनकी। इतना समझा दिया फिर भी पैसे गिनने इन्हें, ठीक है गिन लीजिए। उससे पहले आपको हमें सबूत दिखाना पड़ेगा। कैसा सबूत? वही सबूत जो आप ऋषि ओबेरॉय के खिलाफ कोर्ट में यूज करेंगी केस जीतने के लिए, वही सबूत जिससे साबित होगा कि ऋषि ओबेरॉय ने आपके साथ जबरदस्ती की है, वही सबूत दिखा दीजिए। ओ जी, उसी सबूत के बेसिस पे तो ऋषि ओबेरॉय को डुबाएंगे ना फिर हम। हाँ? तो हमारी भी तरक्की होगी ना। हाँ, इतने करोड़ों रुपए, ये पेपर, वो सबूत देखने के लिए तो लाए हम, दिखा दीजिए और ले जाइए सब।
जल्दी करो वरना भाऊजी आ जाएंगे। अरे और कितना टाइम वेस्ट करेंगे हमारा, पहले से इतना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। देखिए सबूत है तो दिखाइए वरना दफा हो जाइए यहाँ से। मिस्टर बिंद्रा ये क्या है, आपने तो कहा था कि ये अच्छे लोग हैं। हमने सोचा था कि इन्हें अपने होटल बिजनेस में 15% की पार्टनरशिप देंगे और वो सबूत देके ऋषि को कभी जेल से बाहर ही नहीं आने देंगे, लेकिन ये लोग तो जाइए जाइए बाहर जाइए। देखिए हम आप पर विश्वास कैसे कर सकते हैं, आप भी तो हम पर विश्वास नहीं करेंगे राइट। तो एक बार आप अगर हमें पैसे गिनने देती तो हम आपकी सारी बातें मान लेंगे जो भी शर्त है। कह रहे हो तुम लोग, क्या हो क्या रहा है यहां? तुम इनके साथ डीलिंग कर रहे हो? 2 मिनट में बेच दिखा जाएंगे तुमको। मामा मामा माँ याद आएगी ना, माँ सरदार जी माँ याद आएगी। पोल खुल गई ना तुम्हारी, मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिली थी। तुम दोनों इस होटल में मेरे राइवल्स के साथ मीटिंग कर रहे हो, मेरा बिजनेस बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सरदार जी और बीजी रानी साहब, बीजी की उम्र के होके तुम ये सब काम करते हो, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। और तुम कितना ऑफर किया इन लोगों ने तुमको, मैं डबल देता हूँ, बस एक बार बोल दो मेरा बेटा इनोसेंट है। एक मिनट मिस्टर ओब्रॉय, हम आपके बेटे के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम कुछ और डील कर रहे थे। सब पता है मुझे, क्या डील कौन सा डील, मेरा बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूँ, खत्म कर दूंगा सब, यही गाड़ दूंगा सबको। बाऊची खुद ज्यादा ही जोश में आ रहे हो आप, इतनी एक्टिंग भी नहीं चाहिए थी, बात बनने ही वाली थी, बस 2 मिनट और आपको बाहर भेजना पड़ेगा। समझती क्या हो मुझे? 1 मिनट बस कीजिए, ये हम आपकी बातें सुनने के लिए नहीं खड़े यहाँ पे, आप जाइए यहाँ से वरना हम सिक्योरिटी को बुला लेंगे। अरे बुलाइए जिसको बुलाना, मैं नहीं डरता सिक्योरिटी से, बर्बाद न हो। निकलिए आप यहाँ से, चलिए निकलिए निकलिए। सुनो नानिका पर ज्यादा शक मत करो, ये लोग ठीक ही हैं, चुपचाप इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लो। मुझे भी तो झप्पी पालो, कलेजे में और ठंड आएगी, आ जाओ। ओए आयुष रुकना पड़ेगा तुझे, कि दादी इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली ऋषि भाई को, पूरे टाइम माला जप रही थी। अरे सच्ची तो बता रही हूँ उसे। नानी माला के खड़े रखने के लिए जप रहे थे, बिठा तो दो। ओ पुत्र जा बैठ आराम कर, अब आ जाओ आ जाओ। तुझे तो बहुत बड़ी वाली झप्पी पानी है। पुत्र पता है बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बहू घर की इज्जत होती है, और तूने ये साबित कर दिया कि तू हमारे घर की लक्ष्मी है। तू तो पक्की पंजाब बन निकली, कमाल कर दिया पुत्र तूने, देखा मैंने टीवी पे। रियली भाभी वेरी स्मार्ट, और आप कितने ब्रेव भी हो। मतलब क्या सीन क्या है, यहाँ पर एक बारीक सा लड़का भी खड़ा है और सुंदर सा, किसी की नजर पड़ जाए तो यार मुझे भी क्रेडिट दे देना, मैं भी था लक्ष्मी के साथ यार। लक्ष्मी एक्सक्यूज मी, तेरा क्या योगदान था ये बता। लक्ष्मी का साथ दिया मैंने, हिम्मत दी, मोटिवेट किया। लक्ष्मी है ना, आयुष ने ही सारी तैयारियां की थी, पर आयुष नहीं होता ना तो मैं अकेले ये सब कर ही नहीं पाती। वो पुत्र तो कर लेती, अरे अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान की नहीं परवाह की तो ये क्या तेरे सामने है? सही बात है, घर की चिकन तो दाल बराबर ही होती है, कौन खाएगा, कोई नहीं, किसी को पता नहीं आता। और दाल चिकन खड़ा हो अत्या। नहीं नहीं कोई नहीं, ठीक है। जब भी पानी है कि नहीं, वही ब्रीक सा सही, सुकड़ू सा सही, पर एक शेर तू भी है मेरा। नानी असली शेरनी तो ये खड़ी है आपके पीछे, लक्ष्मी क्या जोर से दहाड़ा इसने, और देखो ना सारा मैच क्लियर हो गया, ऋषि भाई बैठे हमारे साथ एकदम टिप टॉप। रहना खोते का खोता है, अब मैं तुझे क्रेडिट दे रही हूँ तो तू लक्ष्मी को पास ऑन कर रहा है। हाँ नानी लक्ष्मी भाभी ने काम ही तो ऐसा किया है। सही बात है ऋषि, यू गो फ्रेशन अप और जल्दी आ जाओ, खाना खाते हैं।
हाँ भाई, मुझे भी ना बड़ी तेज भूख लगी हुई है। और एक बात, आज पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठे डिनर करेगी, ये मेरा हुक्म है। अब नीलम का हुक्म है मेरे से पहले। और सच कहूं, मैं ना डर गई थी कि पता नहीं इस बार नीलम और वीर की एनिवर्सरी मनाने की खुशी मिलेगी कि नहीं। एनिवर्सरी? हाँ बेटा, कल के दिन हमारी शादी हुई थी और बीजी के शुभहातों से हमारा गठबंधन हुआ था। हाँ, और देख लो इन शुभहातों का कमाल, मामा मामी आज तक हैप्पी कपल है। ऐसा लगता बस एक दूसरे के लिए बने हो, है ना? सच एन आइडियल कपल। अब ऋषि और लक्ष्मी की तरह हो गया। ऋषि, तुम जाकर फ्रेशन अप हो जाओ, चलो। हाँ, मैं खाना लगवा देती हूँ। ठीक है भाभी, मैं भी हेल्प करती हूँ। कनाय मोलेस्टेशन केस में अब ऋषि ओबरॉय बेकसूर साबित हो चुके हैं, और उन्हें बेकसूर साबित करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी ओबरॉय है, जिन्होंने अपनी समझ और पति पर अटूट विश्वास। खाना ही नहीं करना है क्या? बेकसूर साबित। हाँ, हाँ, खाना है, लगाओ तो सही। तो बंद करो ना टीवी, एक ही न्यूज देखे जा रहे हो बार बार बार। अरे कितनी इंटरेस्टिंग न्यूज चल रही है लक्ष्मी के बारे में, देखो तो सही। अरे क्या कर रही हो? क्या खाक इंटरेस्टिंग न्यूज? अरे सच में सावित्री है, सच में सावित्री। कैसे हर बार अपने पति को वो बचा लेती है। अच्छा, लक्ष्मी सावित्री? और इतने सालों से मैं जो तुमको बचाती आ रही हूँ वो कुछ नहीं, मुझे तो कभी सावित्री नहीं कहा तुमने। अच्छा ये बताओगी, तुमने मुझे कब और कैसे बचाया? भूखे मरने से। तुम्हारी जो पगार है ना उसे हाउस वॉकिंग कैसे करी ये सब मैं जानती हूँ, समझे? रानो, अगर तुम अपनी चादर से बाहर पैर निकालोगी तो पगार तो कम पड़ेगी ना। क्या? हाँ रानो, देखो वो बात अलग है जो लक्ष्मी ने किया। ऐसे केसेस में लड़कों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। देखो लक्ष्मी ने कितनी आसानी से बचा लिया। रानो, आज वीर जी जिंदा होते ना तो खुशी के मारे उनका सीना चौड़ा हो जाता ये सब देखकर। ओ मिस्टर सीना चौड़ा, बंद करो अपनी बकवास, मरे हुए को याद करो, जिंदा लोगों की फिक्र नहीं है तुमको। और एक मिनट, कब से क्या बकवास किए जा रहे हो कि ऐसे केस में लड़कों का बचना मुश्किल होता है? तुम भी फंस चुके हो क्या ऐसे केस में? और मैं नहीं जानती। कैसी बातें कर रही हो रानो? मुझसे तुम एक तो संभलती नहीं हो, दूसरा केस कैसे संभालूंगा? सुना मैंने, कानों से ब्लाइंड नहीं हूँ मैं। अब पानी, पानी देना। हाँ पानी चाहिए। ओ कौन मर गया? अब खाना खाते वक्त ही सबके आते रहते हो। आप मत झपटो, मेरी फ्रेंड पिंकी का फोन होगा। पिंकी, तब तो बिल्कुल भी मत उठा, फोन काट दे और फ्रेंडशिप बोल तोड़ दे उससे। क्यों? अरे क्यों क्या, तुझे पता है तेरे बैकबोन के पीछे तेरा मजाक फ्लाई करती रहती है, और वो पिंटू की मम्मी है ना उसे कहती रहती है कि नेहा बहुत घमंडी है, अक्कल नहीं है बिल्कुल भी उसमें, मैड है, मैड घमंडी होगी। हाँ। तू तो तेरी पूरी फैमिली, आज के बाद मुझसे बात मत करना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, कोई फ्रेंड नहीं है तू मेरी आज से। नेहा पुत्र, देख पिंकी अपना आवाज बदल बदल के, रॉन्ग नंबर मत बोलना। ना पुत्र, पिंकी नहीं गुरचरण बोल रहा हूँ। सॉरी, मुझे लगा मैं तो सच में स्टूपिड हूँ। तू खुद को स्टूपिड बोल रही है? मैं स्टूपिड नहीं हूँ। आपको शालू से बात करनी है ना, मैं शालू को बुला के लाती हूँ। अरे कौन है? अच्छा गुरुचरण जी। हेलो गुरुचरण जी, सत श्री अकाल। सब गांव में चंगा भला है ना? वो हाँ जी हाँ चंगा, और तुसी दसो की हाल है? अरे मरने दो सबको, पूछू हमारी तिजोरी ठीक है कि नहीं। रानो, प्रजाई की आवाज आ रही है। तो बोल दो वो तिजोरी भी ठीक है। गुरुचरण जी आप बुरा मत मानिएगा, वो बेटियों की शादी करनी है ना, तो बस उसी को लेकर रानो थोड़ी सी परेशान है और कुछ नहीं। ये लो शालू आ गई है, बात करो शालू से, गुरुचरण चाचा का फोन है गांव से, ये ले। हेलो, क्या बकवास बात किए जा रहे हो? नमस्ते चाचा जी। शालू पुत्र, की हाल है और वाणी? सब ठीक है चाचा जी। लक्ष्मी की बहन है ना, ठीक तो बोलेगी। और सुन पुत्र, मैं कल शाम को वहाँ आ रहा हूँ। आप यहाँ पे आ रहे हो? हाँ एक काम है वो भी कर लेंगे, और तुझे इसलिए बता रहा हूँ कि लक्ष्मी पुत्र को बता देना। हाँ उसके ससुराल जाएंगे, उससे मिलेंगे चाय पर, ठीक है ना पुत्र? हाँ हाँ मैं बता दूंगी दी को। कहाँ जा रही हो? आलू लेने आई थी। अच्छा, आई एम शालू, मैं ले रही हूँ आलू। ले लिया, घर जा रही हूँ। शालू, आलू की सब्जी अभी बनाओगी? क्यों, तुम्हें खानी है? नहीं 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 भाई, चाय भी थी तुम्हारे हाथ की।
असर अभी तक है, सब्जी रहने दो। और जो पूछता हूँ ना एक बारी में जवाब दिया करो। शालू आलू की सब्जी अभी बनानी है? नहीं, शाम को। वेरी गुड, चलो। कहा किडनैप करना है तुम्हें, आ जाओ। तुम मेरा किडनैप नहीं कर सकते। क्यों, कोई और कर सकता है क्या? कोई मेरा किडनैप नहीं कर सकता। आई नो, किडनैपर को पागल थोड़ी होना है। क्या बोला तुमने? क्या बोला मैंने? लक्ष्मी दीदी के पास लेके चल रहा हूँ, नहीं चलना? ठीक है भाई, अकेले चले जाएंगे, लक्ष्मी दीदी को बोल देंगे, अकड़ रही है तुम्हारी बहन। नहीं नहीं रुक जाओ, मैं भी आती हूँ। और सुनो, ज्यादा उड़ना मत, तुम्हारी लक्ष्मी दी के लिए लेके जा रहा हूँ तुम्हें। मामा मामी की एनिवर्सरी है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है, हेल्प कर देना। तो क्या तुम्हें थैंक यू बोलूँ? नहीं 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 नहीं, थैंक यू मत बोलना, जूती निकाल लोगी। पागल हो? एक बात बताओ, जूती क्यों निकाली तुमने? वो मुझे लगा कि इस शहर में मेरा कोई नया दीवाना पैदा हो गया, इसलिए मैंने जूती निकाल दी। मुझे लगा तुम तुम्हारा कोई पीछा नहीं करेगा शालू, बहुत 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 सेफ हो तुम। अच्छा कैसे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है इस शहर में तुम्हारा कोई दीवाना नहीं बनेगा, टेंशन मत लो, चिल करो। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए। ओके आ गए, मैं बस आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल बी देयर। या बाय। एक्सक्यूज मी सर, वो लक्ष्मी जी को बुला दीजिए, एक्चुअली ये सब सामान चेक करवाना है। ओके, मैं लक्ष्मी को कॉल कर दूंगा, वो आके देख लेगी। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। हाय चीचू। शालू तुम यहाँ पे, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं तो यहाँ पे। क्या मैं तो मैं लेके आया हूँ इसको, रोड में खड़ी थी, मैं उठा के ले आया। अरे ऋषि भाई, शालू आलू लाई है। ऋषि भाई चाहिए आपको? What? Are you mad? ये भी कोई पूछने की बात है जीजू, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम लोग चलो अंदर, मेरा कुरियर आ रहा है, रिसीव करके आता हूँ। आ गया, चलो। हाँ ओके। तुम्हें फालतू बातें करने की बीमारी है क्या? क्यों क्या, शालू आलू लाई है, चाहिए क्या, ये बोलना जरूरी था? मलिष्का, गिफ्ट आ गया तुम्हारा, तुम आज सुपर हैप्पी होने वाली हो वेब्स, मैसेज करके बोल देता हूँ, मुझसे स्टडी रूम में आके मिलो, समथिंग अर्जेंट। तुम यहाँ क्यों आए? आई मीन तुम यहाँ सडनली क्यों आई? ओ मॉम, मैं लेके आया लक्ष्मी की हेल्प कराने के लिए। तुमसे पूछा मैंने? हेल्प कराने के लिए, दैट्स गुड, सो हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हें पे भी नहीं करना पड़ेगा, राइट? मैं दी से मिल के आती हूँ। आई डोंट माइंड फ्री के सर्वेंट्स। नो मॉम, नॉट कूल, रियली। तुम यही मिल गई। क्यों, कोई काम था क्या? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। फटाफट बोलो, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। जल्दी में हो तो फिर जाओ, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं नहीं, तुम जाओ, वैसे भी मैं श्योर नहीं थी कि मैं पूछूं। तुम जाओ, बाद में बात करूं। श्योर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैं जल्दी में थी? नहीं नहीं, अपनों की बातों का बुरा थोड़ी लगता है। तुम जाओ अपना काम करो। ओके। ऋषि, ऋषि पता चल गया तुम्हें? ऑफ कोर्स, यू आर माय ऋषि, पता कैसे नहीं चलता? हाँ ओके, लेकिन मैं जो आप करने वाला हूँ वो तुम्हें नहीं पता होगा। जो करना है कर लो, तुम्हें मेरी परमिशन है। रियली? ओके, बस अपनी आंखें मत खोलना, इट्स अ सरप्राइज। ओके, थोड़ा सा चीटिंग नहीं है मलिष्का, प्लीज, इट्स अ सरप्राइज। ओके। मैं भी ना इतना पूछ रही थी तो बता ही देना चाहिए था क्या है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मतलब अजीब नहीं लगता कि मैं उससे पूछूं कि मैं अपने पति को रिटर्न गिफ्ट क्या दूं?
मलिष्का प्लीज इट्स अ सरप्राइज। फाइन बाबा। और वैसे भी आज तो मैं जा भी नहीं पाऊंगी बाहर कुछ लेने के लिए, लेकिन मैं ऋषि को कुछ तो जरूर दूंगी जब वो मुझे वो लव बैंड्स देगा। दा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। श्योर मिसेस मित्तल, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, शाम को 7 बजे का टाइम दिया है। राइट, आप आ जाइए, नो प्रॉब्लम, वी विल स्टिल बी हियर, डोंट वरी। हाँ ओ हाँ, इट्स इम्पोर्टेंट टू गो देयर, तो आप उसके बाद आइए, वी विल स्टिल बी हियर, डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। ओके सो आई विल सी यू, श्योर, थैंक यू मिसेस मित्तल, थैंक यू सो मच। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं तुम्हें? मुझ में क्या देख रहे हैं? यकीन नहीं होता। किस बात का? कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दिया था। क्यों नीलम? आई मीन यू आर सो ब्यूटीफुल, अभी हो, सालों बाद वही ब्यूटी, वही एलिगेंस, वही ग्रेस, और उस वक्त मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा था। मुस्कुराहट नहीं थी, तुम खिल खिलाकर हंस रही थी, बड़े खुश थे तुम जब हम पहली बार मिले दिवाली पार्टी में। दिवाली हमारी मॉम का फेवरेट फेस्टिवल था, हर साल कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश करती थी हमारे लिए। शी रियली लव्ड द फेस्टिवल। हाँ, पर उस दिन के बाद आज तक तुम्हारी वो वाली खिलखिलाती हुई हंसी नहीं देखी मैंने। शायद दिल से खुश होंगे हम उस दिन जो खिलखिलाकर हंस दिए, उस दिन के बाद उतनी खुशी नहीं मिली होगी, तो वैसे हंसे भी नहीं। ओके, फिर भी मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने, क्यों की थी शादी तुमने मुझसे? आप ना सच में चाहते नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स्ड रहे, बस यही एक जवाब। सालों बीत गए पर इस सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। डैड चाहते थे आप उनके साथ काम करते थे, उन्हें लगा आप बहुत काबिल हैं, उन्होंने कहा आपसे शादी कर लूं, हमने कर ली। हाँ हाँ, ऑफिस के सारे स्टाफ को एक एक पर्सन को लंच करवाएंगे। हाँ, ऋषि के मॉम डैड की एनिवर्सरी है ना इस खुशी में। ओके, उप्स, आप लोगों ने सुन लिया। आई एम सो सॉरी, आई होप यू गाइस डोंट माइंड, मैंने ऐसे आप लोगों से बिना पूछे। नॉट एट ऑल, बल्कि हमें तो बहुत अच्छा लगा, तुमने अच्छा किया। थैंक यू बेटा। यू आर ऑलवेज वेलकम एंड हैप्पी एनिवर्सरी गाइस, आई विल बी ऑन टाइम, आई विल सी यू, बाय। थैंक यू। हम, कैसा लगा आपको? आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बस अब मुझे ये बता दीजिए कि कितना टाइम और लगेगा? एक्चुअली सब काम हो गया, बस थोड़ा बहुत टचअप बाकी है। 5:30 तो बज गए, तो भी कितना टाइम और? मैम एक्चुअली ये झूमर पर एप्पल ड्रिपिंग पे 5 घंटे लग गए, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा मतलब 6:30 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए। एक्चुअली वो आप बफे के बता देते डिजाइन वगैरह तो।
Shit, I'm late at 7:30 already. फिर कोई बात नहीं, तमाशा तो अभी भी देख सकती हूँ। सबके साथ मिलकर देखूंगी उस लक्ष्मी की बेइज्जती होते हुए। क्या है सब? कोई कुछ बोलेगा? What the hell? ये सब कुछ इतना ब्यूटीफुल कैसे हो गया? शादी की सालगिरह की लख लख बधाइयां। थैंक यू बेटा। कैसा लग रहा है? इट्स ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह अनएक्सपेक्टेड, यूनिक। कमाल है बेटा, कमाल कर दिया तुमने। Really भाई? I mean, आपको ये सच में इतना अच्छा लगा? Of course. अरे उसको क्या, उसकी माँ को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा है। और ये सब किया है लक्ष्मी ने। थैंक यू वेरी मच पुत्र, दिल जीत लिया तुमने। बिल्कुल सही कहा दादी, मुझे भी सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हाँ, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई लव इट। ओके, बट दीज आउटफिट्स, आई मीन दिस सो टैकी, क्या ये? वो बुआ जी एक्चुअली मैंने भेजे थे। दे आर ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और कोई जरा यहां तो देखे, मेरी बीवी को देखो यार, इतना सुंदर, इतना ग्रेसफुल आज तक कोई लगा? और कोई लगेगा भी नहीं। माय मॉम इज द प्रीटीएस्ट लेडी इन द वर्ल्ड एंड योर वाइफ। ऋषि, इन्हें तो पता ही नहीं है कब कहां क्या बोलना है। कम से कम तू तो साथ मत दे इनका। सच है मॉम। ओए, आज तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं बहुत खुश हूं आज। ये खुशी वाला दिन है मेरे लिए, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ यू बेटा, योर ब्यूटीफुल पर्सनल टच। यू नो, आज अगर मैं राजा महाराजा होता ना, तो गले से हार निकाल कर दे देता इसे। और बोलते मुझे हम खुश हुआ, ऐसे कुछ बोलते ना। अरे पर ठीक है, मैं हार नहीं दे सका तो क्या हुआ? बेटा तू जो इसके लिए गिफ्ट लाया, मेरी खुशी में आज सबके सामने दे दे इसे। गिफ्ट? ओके डैड, अभी लेके आता। मलिष्का, वहां क्यों खड़ी हो? कम क्या? आओ ना मलिष्का, देखो भाभी ने क्या कुछ प्यार से किया है यहाँ। या, सब चेंज हो गया है। आई कैन सी दैट। आई थॉट कि हर साल की तरह इस साल का डेकोर भी मॉडर्न होगा। आई मीन, हमारी पार्टी हमेशा टॉक ऑफ द टाउन होती है, बट इस बार इट्स सो देसी, गॉड नोस क्या होगा। क्या होगा मलिष्का, अच्छा ही होगा। लुक एट दिस, हर बार से ज्यादा शोर मचेगा। दिस इज सो गुड। या, हमने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। और मुझे तो बहुत ही चंगा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे बनावटी दुनिया से निकल के ना अपनी असली वाली जिंदगी में आ गए। एब्सोल्युटली नो डाउट दादी, इतनी पॉजिटिव सी वाइब आ रही है ना, अच्छी वाली घर की वाइब। एग्जैक्टली, पहली बार ऐसा लग रहा है कि घर में कोई फंक्शन हो रहा है, होटल में नहीं। एंड बिकॉज ऑफ लक्ष्मीज पर्सनल टच विद लव एंड केयर। वाह लक्ष्मी। यस करिश्मा, वो तू भी कोई तारीफ कर दे, कोई नुकसान नहीं होगा। आई मीन नो, इट्स फाइन, उन्हें इतना बुरा भी नहीं। बट भाभी, वो जो आपके फ्रेंड्स आने वाले हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से, उनके लिए दिस इज सो ओल्ड फैशन, राइट? आई मीन, ये लो, तारीफ भी करिए तो कैसे मुंह से। ओ भाई, इन सब से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, हमारे दिल जुड़े हुए हैं। और दिल के लिए धड़कन कभी ओल्ड फैशन नहीं होती। हमारे दोस्त आ रहे हैं, उनको पसंद आएगा ही, और अगर नहीं आया तो अच्छा लगेगा तो कूल, नहीं आया तो पसंद तो आना ही है। ऑफ कोर्स आना है, बल्ले बल्ले है। बाय द वे, मलिष्का, ऑफिस का लंच कैसा था? ओह, इट वाज अमेजिंग। सब बहुत खुश थे, दे ऑल लव्ड द फूड। इनफैक्ट जब मैंने उनको बोला कि अंकल आंटी की एनिवर्सरी है, दे ऑल वर सो हैप्पी। इनफैक्ट आपके लिए कुछ भेजा भी उन्होंने। वेट, आई विल जस्ट गेट इट।
ब्यूटीफुल। उन सब ने आपके लिए ये भेजा है साइन करके। जस्ट हैव अ लुक। वाओ दिस इज सो नाइस। सबको थैंक यू कहना हमारी तरफ से। अभी वो तो इसने कह ही दिया होगा, है ना मलिष्का? ऑफ कोर्स बोल दिया। टाइम कब से वेट कर रहा था तुम्हारा? तुम आती ना, चले आता हूँ। रियली टेंस ऋषि। मलिष्का टेंस्ड। ये भी तो देखना था ना कि लक्ष्मी गई या नहीं। तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? व्हाट वर यू गाइस टॉकिंग अबाउट? गिफ्ट की बात कर रहे थे। आई थिंक जो गिफ्ट मैंने लक्ष्मी को दिया ना उसे पसंद नहीं आया। बिग डील। तुम इतना क्यों सोच रहे हो उस बारे में? हाँ बुरा लग रहा है तुम्हें? बुरा? नो नो, बुरा नहीं लग रहा है। It's just, मुझे लगा था जो गिफ्ट मैं उसे दूंगा उसे पसंद आएगा। फर्स्ट टाइम गिफ्ट दिया ना लक्ष्मी को, आई मीन डैड के कहने पे। लेकिन चॉइस तो मेरी थी ना। स्टॉप इट। सादा बातें नहीं करने लगे तुम उसकी। वो तो नेगेटिव बोल रहा है इसलिए सुन भी रही। चॉइस नेगेटिव? या आई मीन सॉर्ट ऑफ लाइक दैट ओनली राइट। उसे तुम्हारा गिफ्ट पसंद नहीं आया, तुम्हारी चॉइस पसंद नहीं आई। तो तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो ना ऋषि, ऑड लग रहा है ना। But I love my gift. You know why? Why? Because I love this. हमें ऐसे देखना। I know it's a little weird, but it feels like मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी भी और तुम मेरी। ये दुपट्टा हटा के वो शादी वाला दुपट्टा पहन लेती। दो दुपट्टे पहनूंगी तो झल्ली लगूंगी। आओ पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? कुछ बोलना था, इनफैक्ट कुछ करवाना था तुमसे। क्या करवाना था? टफर। आई लव यू बुलवाना था। दो दिन से नहीं बोला है तुमने। I love you. Five times. अभी आंखों में देख के बोला है ना, कानों में बोलो, फिर मुझे किस कर। यहाँ हक में जैसे कभी नहीं छोड़ोगे। Say it. I love you. पट्टा कहाँ गया? यहीं तो रखा था, कहीं और तो।
किसी खेल में तो नहीं फंस गया?